गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी डिस्कस अबाउट द आयुर्वेदिक डेली रूटीन. लास्ट हम लोगों ने तैलभ्यंग और तैलभ्यंग के गुण और तैलभ्यंग किसको नहीं करवाना चाहिए इसके बारे में बात की थी. और इसके अलावा तांबुल सेवन, कवल गंडूश और इसके अलावा धूमपान के विषय में कल हम सब लोगों ने बात की. आज हम व्यायाम के बारे में बात करेंगे. व्यायाम से क्या बेनिफिट्स हैं, व्यायाम के अयोग्य कौन हैं, आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा इसी चैप्टर को. दिनचर्या अध्याय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं. क्या कहता है श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है. लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदस अक्षय विभक्त घन गात्रत्व व्यायामात उपजायते. कहता है व्यायाम के लाभ कि एक्सरसाइज ब्रिंग्स अबाउट लाइटनेस. कहता है कि हल्कापन लाता है शरीर में. इम्प्रूव्स वर्क कैपेसिटी, कार्यों में शक्ति देता है. इंक्रीज डाइजेशन पावर, अग्नि की तीक्ष्णता करता है, मतलब जो हमारा प्रॉपर डाइजेशन है उसको बढ़ाता है. एंड बर्न्स फैट, और मेद का नाश करता है. इट ब्रिंग्स गुड शेप टू द बॉडी. व्यायाम के किए जाने से शरीर के अंग विभक्त और पृथक पृथक उपचित एवं दृढ़ हो जाते हैं. कहता है कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी पोस्चर है जिसमें मेद धातु अगर सुव्यवस्थित रूप से रहे तो हमारा शरीर और सुंदर दिखाई देता है. और जिस कार्य से शरीर में थकान का अनुभव हो उसका नाम व्यायाम है. और व्यायाम को नहीं, एक और बात आप लोगों को बताऊं कि आधी शक्ति तक ही व्यायाम करना चाहिए. अर्थात माथे पर या आपकी जो एक्जिलरी रीजन है, कक्षा जो है, जब पसीना अनुभव हो उस समय व्यायाम करना हमें छोड़ देना चाहिए. इस व्यायाम से मांसपेशी अलग अलग दृढ़ बनती हैं. व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए, अब इसके ऊपर बात है. पीपल विद डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वात एंड पित्त. व्यायाम का निषेध वात और पित्त रोगी को है. कहता है चिल्ड्रंस जो 16 वर्ष से तक, जन्म से 16 वर्ष तक के बच्चे को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए. वृद्ध में 70 वर्ष के पूर्व व्यायाम त्याग देना चाहिए. क्या कहता है पीपल विद डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वात एंड पित्त, चिल्ड्रन, एल्डर्स, पीपल विद इनडाइजेशन प्रॉब्लम, जिन्हें अजीर्ण रहता है खाना, जिनका पचता नहीं है, उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. क्या कहता है व्यायाम की योग्यता और उसका समय, कि फिर व्यायाम आप किसको करवाओगे. अभी व्यायाम किसको करवाना है उसमें बात देखी जाए तो किसको नहीं करवाना है उनको छोड़ के सभी को कर लेना चाहिए. क्या कहता आचार्य, अब एक्सरसाइज किसे करनी, व्यायाम किसे करना है. एक्सरसाइज शुड बी डन टिल 1/2 स्ट्रेंथ. यहाँ पे आचार्य ने श्लोक में बोला है अर्धशक्तया निषेवयस्तु बलि भी स्निग्ध भोजी भी. एक्सरसाइज शुड बी डन कंपल्सरी बाय दोज हैविंग फुल स्ट्रेंथ एंड हु टेक ऑयली फूड स्टफ फ्रॉम डिसम्बर टू मई. एट द एंड क्या कहता है, शीतकाले वसंते च मंदम एव ततो अन्यदा. कि इसमें शीतकाल और वसंत, ये मई के बाद का जो ग्रीष्म ऋतु जैसे निकल जाएगी उसके बाद से लेके आधी शक्ति से ही हमें व्यायाम करना चाहिए. ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इनमें आधी शक्ति से भी थोड़ा व्यायाम हमें करना चाहिए. क्योंकि यदि इन ऋतुओं में वात दोष का संचय प्रकोप प्रशमन रहता है, अगर अधिक मात्रा में व्यायाम किया जाए, चल गुण का अधिक प्रयोग होगा तो वात अधिक बढ़ जाएगा और वात रोग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. क्या कहता है आचार्य, आचार्य बोलता है कि एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज वन शुड अंडरगो माइल्ड मसाज. तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेत च समंततः. व्यायाम के पश्चात कर्तव्य को बताता है कि जो हमने अभी पहले बोला
वन शुड अंडरगो माइल्ड मसाज, हमें हमारे शरीर को बिना कष्ट पहुंचाए अच्छे प्रकार से मसाज करनी चाहिए, मलना चाहिए। क्या कहता आचार्य? अति व्यायाम से तथा जागरण आदि से हानि। कहता अति व्यायाम से क्या होगा, तृष्णा क्षय प्रतमको रक्त पित्तम श्रमः कलमः, अति व्यायामात कासो ज्वर छर्दिश्च जायते। आचार्य ने अति व्यायाम से हानि बोली, कहता प्यास बहुत लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट तृष्णा, और इमेशिएटेड हो जाएगा। इमेशिएटेड का अर्थ क्या है, धातुओं का क्षय हो जाना, और डिस्निया होगा, सीवियर डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसे प्रथमक श्वास भी बोला गया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, रक्तपित्त होगा जिसको बोला जाता है, एग्जॉशन होगा, थकान होगी, फीलिंग ऑफ डेबिलिटी होगी, क्लम होगा, बिना परिश्रम के थकावट को क्लम कहा जाता है और इसको फीलिंग ऑफ डेबिलिटी बोला जाता है, इवन विदाउट डूइंग एनी वर्क। और क्या कहता है, कास होगा, कास को कफ कहा है, ज्वर होगा, ज्वर को फीवर कहा है, और छर्दी उत्पन्न होता है, छर्दी अर्थात वॉमिटिंग आर कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज। क्या कहता आचार्य कि व्यायाम, रात्रि जागरण, पैदल चलना, स्त्री संग और हास्य भाष्य बोलना आदि साहसिक कार्य, बल से अधिक कार्य, इनको अत्यधिक मात्रा में शक्ति से अधिक करने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। दोज हु इंडल्ज इन टू मच ऑफ एक्सरसाइज डेली, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हु कीप themselves अवेक टिल लेट नाइट्स, और रेगुलरली, वो भी कि रात में जागते हुए बहुत ज़्यादा रहते हैं, हु वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज रेगुलरली, और जो बहुत लंबा चलते हैं, हु इंडल्ज इन एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और जो स्त्री प्रसंग बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, टू मच ऑफ लाफिंग स्पीकिंग, बहुत मात्रा में हंसते हैं, बहुत मात्रा में बोलते हैं, एंड सच अदर स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़, और इसी प्रकार के अन्य कार्य जो आदमी बहुत अधिक मात्रा में करता है, विल पेरिश, वो नष्ट हो जाता है, जस्ट एज ए लॉयन पेरिशिज आफ्टर वेनिक्विशिंग एन एलिफेंट, जिस प्रकार वह व्यक्ति उसी प्रकार से नष्ट होता है जिस प्रकार से एक सिंह जब हाथी को मारकर उसे खींचता है तो उस सिंह की छाती फट जाती है और छाती फटने से वो मर जाता है, मतलब अपनी ताकत से अधिक कार्य करने से मनुष्य का नाश हो जाता है। नेक्स्ट क्या करता है, उबटन से लाभ, पाउडर मसाज जिसको बोलते हैं, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, उद्वर्तन में चूर्ण के द्वारा मसाज की जाती है, श्लोक में भी आया है, इम्पॉर्टेंट है, उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रवीलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। कहता है उद्वर्तन, उबटन, पाउडर मसाज इज यूजिंग पाउडर फॉर मसाज, उद्वर्तन इज यूजिंग पाउडर फॉर मसाज, इट हेल्प्स टू काम डाउन एग्रीवेटेड कफ, जो बढ़ा हुआ कफ है उसको कम करता है, एंड टू बर्न फैट, और हमारे मेद धातु को जलाता है, मेद को विलीन करता, विलीन माने ख़त्म कर देता है, हैंस इट इज़ वन ऑफ द थेरेपीज दैट मैनी आयुर्वेदिक सेंटर ऑफर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, और ये बहुत से जो आजकल नए पंचकर्मा सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ पे मोटापे को दूर करने के लिए इसका बहुत मात्रा में प्रयोग हो रहा है, अंगों को स्थिर करने वाला होता है ये, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इट आल्सो ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन टू बॉडी ऑर्गन्स एंड इट इंक्रीज द बॉडी कॉम्प्लेक्शन, त्वचा को अतिशय निर्मल करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन बढ़ाता है। क्या कहता आचार्य? नेक्स्ट है स्नान, स्नान एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा डेली रूटीन का, और आयुर्वेदिक डेली रूटीन में भी इसको बहुत इम्पॉर्टेंट बोला गया है। क्या कहता आचार्य? दीपनम वृष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडुमल श्रम स्वेद तंद्रा तृष्णा दाह पाशम जित। कहता है कि पाप को जीतने वाला है स्नान, बाथिंग, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल,
एंड एक्ट्स एज एफ्रोडिजिक, हमारे पाचन को ठीक करने वाला है, और वृष है, वृष माने इट इम्प्रूव्स द सेक्सुअल पावर, इट इम्प्रूव्स द लाइफ, इट प्रोलोंग्स लाइफ, आयु वर्धक है, आयु को बढ़ाने वाला है, इट इंक्रीजेज एंथुजिज्म, एंथुजिज्म बोलता है कि ये ऊर्जा को बढ़ाने वाला है हमारे शरीर में, एंड द स्ट्रेंथ और बलदायक है, कंडू मतलब खुजलाहट, इट इम्प्रूव्स टू हेल्प गेट आउट रिजिड ऑफ डर्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्वेट, टायर्डनेस, एक्सेसिव थर्स्ट, बर्निंग सेंसेशन एंड माइक्रोब्स, कहते हैं कंडू को दूर करता है, मल, त्वचा का जो मल है उसको दूर करता है, और थकान को दूर करता है, पसीना जो है हमारे शरीर से निकलता है उसको बाहर साफ करता है अच्छे से, तंद्रा जो रेस्टलेसनेस रहती है उसको दूर, टायर्डनेस रहती है उसको दूर करता है, तृष्णा को दूर करता है, एक्सेसिव थर्स्ट को दूर करता है, प्यास को दूर करता है, दाह और पाप को शांत करने वाला है, दाह से बर्निंग सेंसेशन और पाप को शांत करने वाला बतलाया है, दूर करने वाला बतलाया है। क्या कहता है आचार्य कि स्नान उत्साह और बलदायक तो है ही, ये इचिंग को भी दूर करता है, त्वचा की मलिनता को दूर करता है। क्या कहता है आचार्य, उष्ण जल से स्नान की विधि और निषेध, उष्ण जल गर्म जल का प्रयोग किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। कहता है उष्ण जो जल है उसका प्रयोग हमें सिर से नीचे के भाग में, अथवा जो सिर का जो हमारी क्लेविकल जो बोन है उससे नीचे के पार्ट को, कहता है गर्म जल से हमें परिषेक करना चाहिए, मतलब स्नान करना चाहिए। और यदि जो लोग उष्ण जल, पोरिंग वार्म वाटर ओवर द बॉडी बेस्टो स्ट्रेंथ, बट द सेम द हॉट वाटर इज़ यूज्ड फॉर द हेड, जब गर्म जल का हम उत्तमांग, उत्तमांग किसको कहते हैं, सिर को, सिर को जब गर्म जल से नहाते हैं तो बाल और आँखों के बल को यह नष्ट कर देता है। बात याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब स्नान में हम गर्म जल का प्रयोग करें और गर्म जल से सिर से स्नान करते हैं तो उसमें यह हमारे आँख और हमारे केश के बल को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या कहता है, अब कहता है कि स्नान किसे नहीं करवाना, स्नान बात ही इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर दोज हु सफरिंग फ्रॉम फेशियल पैरालिसिस, अर्धित रोगी को, अर्धित माने फेशियल पैरालिसिस होता है उसको स्नान नहीं करवाना है, नेत्र रोगी को, डिजीज ऑफ द आइज, माउथ एंड ईयर, नेत्र रोगी, मुख रोगी और कर्ण रोगी, आइज, माउथ, ईयर, इन तीनों को भी स्नान नहीं करवाना है। अतिसार, अतिसार माने डायरिया, लूज मोशन, लूज मोशंस में भी हमें स्नान नहीं करवाना है, आधमान, फ्लेचुलेंस, पू बहुत आते हो जिसको, उसको भी स्नान नहीं करवाना है, राइनाइटिस, ये डिजीज ऑफ द आइज, उसमें भी स्नान नहीं करवाना, इंडाइजेशन, अजीर्ण में भी, पीनस जिसको बोलते हैं राइनाइटिस को, अजीर्ण बोलते हैं इंडाइजेशन को, ये इसमें स्नान कंट्राइंडिकेटेड नहीं किया है, नहीं करवाएंगे उसको स्नान। और जिसने सद्य भोजन किया हो, भोजन के तुरंत बाद भी स्नान करना निंदित बतलाया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, भोजन तथा मल और मूत्र उत्सर्ग की अवस्था, भोजन विधान के बारे में बताया कि भाई जब पहले का आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, जीर्ण हितम मितम चाद्यात, वन शुड ऑलवेज ईट ओनली आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस फूड, जब आपका पहले का खाया हुआ भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाए तभी हमें भोजन करना चाहिए, और वो भी इन लिमिटेड क्वांटिटी। क्या कहता है, न वेगान निरेत, वन शुड नॉट इंड्यूस नेचुरल अर्जेस फोर्सफुली, और आपको किसी भी वेग को, जैसे मूत्र का वेग है या छींक का वेग है, इसके लिए श्लोक भी आया है, जैसे न वेगान धारेत वात विट मूत्र अक्षौत्रित सुधाम, निद्रा काश श्रम श्वास जृम्भा अश्रु सर्दी रेत साम, ऐसे 13-14 जो हमारे अधारणीय वेग बतलाए हैं, जो आगे अभी आपके चैप्टर्स में आएगा तो उसको अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, उससे क्या क्या डिजीजेज होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं उन वेगों को धारण करने से। क्या कहता है, न वेगी तो अन्य कार्या, वन शुड इमिडिएटली अटेंड टू नेचुरल अर्जेज व्हेनेवर दे अकर,
विदाउट बीइंग बिजी इन अदर एक्टिविटीज़, और जब कभी कोई वेग आ जाए तो बिना कुछ और कार्य किए, जैसे बहुत कॉमन है मूत्र का वेग आ जाए तो पहले मूत्र त्याग करना चाहिए, उसके स्थान पे कहीं पबजी ना खेल रहे हो, वीडियो ना देख रहे हो, मूवी ना देख रहे हो, वो सब खाना ना खा, वो सब छोड़ के आपको पहले मूत्र त्याग करना चाहिए। कहता है कि पूर्व में जो आहार किया वो पच जाने के बाद हितकारी पथ्य भोजन मात्रावत करना चाहिए, मल मूत्र के जो वेग ना आए हों उन्हें प्रवृत्त नहीं करना चाहिए, मल मूत्र के वेग उपस्थित होने पर हमें पहले उनका त्याग करना चाहिए फिर दूसरे कार्य करने चाहिए, साध्य रोग को शांत किए बिना दूसरा काम हमें नहीं करना चाहिए। साध्य रोग के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, डिजीजेज दैट क्योर्ड इजीली, और उससे पहले कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, पहले हमें रोग को शांत करना, उसके बाद ही दूसरे कार्य हमें करने चाहिए। पाथ ऑफ राइटियसनेस और सुख साधन धर्म की प्रशंसा के लिए आचार्य बोलता है कि इसमें कि सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तय सुखम च विना धर्मस्तत्मात् धर्म परो भवेत्, कहता है कि सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख के लिए, सभी आदमी जो ऑल क्रिएचर्स आर सीक फॉर हैप्पीनेस, सभी इसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमें खुशी मिल जाए, देर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट राइटियसनेस, और कहीं सुख नहीं है, बिना धर्म के सुख की प्राप्ति आपको हो ही नहीं सकती, हैंस ऑल शुड फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस, तो सभी को धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म का पालन ठीक है, आचार्य क्या कहते हैं कि सुख, सच्चा सुख क्या है इस संसार में, इस सच्चा सुख इस संसार में आरोग्य है, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। क्या कहता है, भक्तया कल्याण मित्राणि सवेतेत दुरुगः, कल्याण करने वाले मित्रों पर श्रद्धा रख कर चलें, फ्रेंड शुड बी सर्व्ड विद अफेक्शन एंड गुड डीड्स, हमारे मित्रों के साथ हमें सम्मति लेके चलना चाहिए, और जो कल्याण नहीं करने वाले हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, अदर्स वेयर एज द अदर्स विक्ड शुड बी कैप्ट एट ए डिस्टेंस, और जो हमारा अहित कर सकते हैं उन मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए। इसके बाद 10 बैड हैबिट्स बताई गई हैं दशविध पापों की समीक्षा के लिए, ये 10 बैड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, आपको ये याद कर लेना है, 5 मार्क्स में आ ही जाता है हमेशा लगभग, और 2-3 मार्क्स में भी आ जाता है कि 10 बैड हैबिट्स के बारे में, दशविध पापों की समीक्षा, दशविध पाप के बारे में आप बतलाएं, तो इसमें हिंसा है सबसे पहले, कॉजिंग इंजरी और टॉर्चर, अस्तेय, अस्तेय माने स्टीलिंग रॉबिंग चोरी करना, अन्यथा काम, अन्यथा काम का अर्थ है अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी और डिज़ायरिंग फॉर अदर्स, पायशून्य, एब्यूसिव और हार्श स्पीच, परुष वचन, हार्श स्पीच मतलब कड़वे शब्दों का बोलना, और अनृत वाचन, स्पीकिंग अनट्रुथ झूठ बोलना, क्या कहता है, अनृत शब्द जो है झूठ बोलने के लिए यूज हुआ है, सम भिन्न प्रलाप, असंबद्ध बोलना, सम भिन्न प्रलाप, स्पीच कॉजिंग सेपरेशन, ब्रेकिंग ऑफ कंपनी, व्यापाद, दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार रखना, क्वेरल, इंटेंशन ऑफ फार्मिंग अदर्स, अभिध्या, अभिध्या किसको बोलता है, ईर्ष्या को, जेलसी को, नॉट टॉलरेटिंग गुड ऑफ अदर्स, दूसरों के अच्छे कामों को ना सुनना, न मानना, नास्तिकता, या आप्तवाक्य में श्रद्धा का दृग विपर्य एक शब्द आया है, फाइंडिंग फॉल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, फेथलेसनेस एक्सेट्रा विथ स्क्रिप्चर्स, एल्डर्स, बड़े बूढ़े और उनके साथ, दीज 10 सिंस पर्टेनिंग टू द बॉडी स्पीच एंड माइंड शुड बी अवॉइडेड, क्या कहता है, इन पाप कर्मों को शरीर, वाणी और मन, इन तीनों से हमें छोड़ देना चाहिए। आज हम पार्ट सेकंड ख़त्म करते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब लोग कर ही दे रहे हैं, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।